अहद वस्ता में तालीम की कमी और नावाकफियत की वजह से जिंदगी के ऐसे बहुत से पहलू थे जिन्हें इंसान की अक्लो फहम से बालातर समझा जाता था, इसलिए वो इन्हें जादू से मंसूब करके उनका जवाब ढूंढ लेता था। यूरोप में जादूगरनी होने का इल्जाम लगाकर हजारों खवातीन को जिंदा जलाया गया, फिर रोशन ख्याली के दौर में उनकी जान बख्शी हुई। जादू के सिलसिले में खास तौर पर औरतों को ज्यादा मुलव्वस किया जाता था और इनके बारे में तरह तरह की अफवाहें मशहूर हो जाती थी। जैसे बरेसगीर में चड़ेल के बारे में मशहूर था कि उसके पाँव के पंजे उल्टे होते हैं और वो बच्चों का कलेजा खा जाती है। हमारे यहाँ ये भी मशहूर है कि दुश्मन या हरीफ पर आमिलों के जरिए जादू करा के उन्हें नुकसान पहुँचाया जाता है और इस जादू के असर को जादू ही के जरिए दूर किया जा सकता है। इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक काला जादू होता है, जिस पर किया जाता है उसकी जानो माल का नुकसान यकीनी हो जाता है। यूरोप में अगरचे लोगों का जादू पर पुराना यकीन था, मगर 14वीं सदी में खास तौर से ये जादूगर औरतों के खिलाफ भरपूर अंदाज में उठा। मौरखीन ने इसकी कई वजूहात बताई हैं। ये औरतों के खिलाफ इसलिए था क्योंकि इब्तदाई तहजीब से लेकर अब तक औरतों को जड़ी बूटियों के बारे में इल्म था, क्योंकि वह सदियों से जड़ी बूटियां इकट्ठी करती थी और उनके इस्तेमाल से वाकिफ थी। ये इल्म सीना बसीना औरतों में मुंतकिल होता रहा, लेकिन जब मर्द मुआलिज इस पेशे में आए तो उन्हें औरतों से मुकाबला करना पड़ा, लिहाजा इस इल्म को खत्म करने के लिए उन पर जादूगरनी का इल्जाम लगाया गया और उनके बारे में ऐसी अफवाहें फैलाई गईं जिनसे आम लोगों में उनके खिलाफ नफरत और डर पैदा हुआ। मसलन ये कहा जाने लगा कि जादूगरनियां मजहब की मुखालिफ हैं, शैतानों की पूजा करती हैं और अक्सर रातों को जंगलों में जाकर अपने शैतानी रस्म रवाज को अदा करती हैं, रंग रलियां मनाती हैं और शैतान खुद इस महफिल में आकर इनकी सरपरस्ती करता है और उन्हें ये इल्म देता है जिसके जरिए ये लोगों को नुकसान पहुँचाती है। जब उनके बारे में ये सब बातें मशहूर हुई तो बदकिस्मती से इसका शिकार वो बूढ़ी औरतें हुई जो अकेली और तनहा रहती थी और जो अपनी रोजी के लिए ठेलों और मुख्तलिफ जड़ी बूटियां और कुछ खाने पीने का सामान फरोख करते थे। आमतौर से लोग वबाओं से और बीमारियों से सख्त खौफज़दा रहते थे क्योंकि उन्हें अब तक इसका इल्म नहीं था कि ये वबाएं क्यों आती हैं और इससे पैदा होने वाली बीमारियों का इलाज क्या है, क्योंकि इससे पहले यूरोप ब्लैक टच या टाउन की वबा से गुजर चुका था जिसमें तकरीबन उसकी 40% आबादी तहस नहस हो गई थी। यही वजह थी कि अगर कोई वबा आती, उनके जानवर मरते, वो खुद बीमार होते, खुशहाली आती तो उन तमाम का इल्ज़ाम वो किसी जादूगरनी पर डाल देते। जब वो किसी को जादूगरनी करार देते तो उसका फैसला भी लोग खुद ही कर लिया करते थे और उसे पकड़कर मार डालते। जब जादूगरनियों के खिलाफ मुहिम तेज हुई तो चर्च ने इसमें दखलंदाजी की और जादूगरनियों पर मुकदमा चलाए गए। इसलिए मुकदमा से पहले ये साबित करना होता था कि किन वजूहात की बिना पर उसे जादूगरनी कहा गया है। अगर इल्जाम लगाने वाला गलत साबित हो जाता था तो उसको सजा मिलती। चर्च के आलिमों ने जादूगरनी होने की जो शरायत मुकर्रर कर रखी थी उनमें सबसे अहम इल्जाम ये था कि वो ईसाई मजहब से मुनहरिफ है और शैतान की पैरोकार है। फिर उसे मुख्तलिफ किस्म के इम्तहानात से गुजरना होता था। उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में सुइयां चुभोई जाती थी और देखा जाता था कि क्या उसके जिस्म से खून निकलता है या नहीं। इसके बाद उसको बरहना करके उसके जिस्म में ऐसे निशानात को तलाश किया जाता था जो उनके नजदीक शैतान और जादूगरनी के दरमियान मुआहदे की अलामत होते थे। कभी कभी जादूगरनी को दरिया में फेंक दिया जाता था, अगर वो तैरती रहे तो वो बेगुनाह करार पाती और डूबने की सूरत में गुनाहगार यानी कसूरवार ठहरती थी। जादूगरनियों को साबित करने के लिए चर्च के आलिमों ने कई किताबें लिखी। इनमें खास तौर पर एक किताब हैमर ऑफ विचक्राफ्ट मशहूर हुई। इंक्लोसेशन में जब जादूगरनियों पर मुकदमा चलाए गए तो सबसे पहले इनसे यही सवालात किए जाते थे कि क्या वो मजहब से मुनहरिफ हैं, शैतान की पूजा करती हैं, झाड़ू पर बैठकर फिजा में उठती हैं और क्या अपने जादू से लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं। अगर पादरी इन सवालात के जवाबात से मुतमईन नहीं होते थे तो फिर औरतों को होलनाक अजियतें दी जाती थी, जिसके बाद वो मजबूरन अपना कसूर तस्लीम कर लेती थी तो बतौर सजा उन्हें जिंदा जला दिया जाता था। यूरोप में 1500 से 1660 तक 80,000 के लगभग जादूगरनियों को मौत की सजा दी गई। जादूगरनियों पर ये मुकदमात यूरोप के हर मुल्क में चलाए गए, लेकिन इन मुल्कों में जर्मनी, सरफहरिस्ता और आयरलैंड में यह तादाद सबसे कम थी। स्कैंडिनेवियन ममालिक मिसाल के तौर पर नॉर्वे, डेनमार्क और फिनलैंड वगैरह में जब जादूगर औरतों पर मुकदमा चलाया जाता था तो तसव्वुर ये था कि अगर इसका खून लेकर जादूशुदा शख्स के जिस्म पर मल दिया जाए या उसके खून के कतरे पानी या शराब में मिलाकर पिलाए जाए तो वो जादूशुदा शख्स सेहतमंद हो जाता है। जादूगरनियों के खिलाफ इस मुहिम का उस वक्त खात्मा हुआ जब साइंस और टेक्नोलॉजी और इल्म तिब में तरक्की हुई। इसने बहुत सी तवहमात को जड़ से उखाड़ फेंका जो अहद वस्ता से लोगों के जहनों में भरे हुए थे। जादूगरनियों के उन मुकदमात से जो बातें हमारे जहन में आती हैं वो ये हैं। एक तो ये कि इसका शिकार औरतों की अक्सरियत हुई और वो भी बूढ़ी और गरीब जिनको तहफ़ुज़ देने वाला कोई नहीं था। दूसरा, किसी भी मुआशरे की जहालत और नावाकफियत हालात को खराब करने की अहम वजह होती है। तीसरा, जादूगरनियों के खिलाफ औरत के जड़ी बूटियों के इल्म को खत्म करके इसे मुकम्मल तौर पर मर्द के मातहत करना था। इस सिलसिले में हजारहा मासूम औरतों की जाने गई और बिलाखिर जब इल्म का
फैलाव हुआ तो उससे तवहमात और नफरतों का खात्मा हो गया। बदकिस्मती से पाकिस्तानी मुआशरे में अभी तक जादूगर औरतों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो मर्दों की जहालत और कम इल्मी का फायदा उठाकर न सिर्फ अपने जाती मफादात पूरे कर रही हैं बल्कि खबरें तो इस तरह की भी हैं कि वो अब मुल्क की किस्मत के फैसले भी कर रही हैं। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।